मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैनधर मोस्ट मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारिकम प्रपन्नम सर्व धर्मानाम जैनम जय सुशासनम जय सुशासनम। यहाँ इष्टोप देश ग्रंथ के आधार से कल 8 श्लोकों तक अपनी चर्चा हुई है। वेद विज्ञान का मूल प्रकरण है, भाषा बहुत सरल है, उपदेशात्मक शैली में चर्चा की है, जगत के जीवों को व्यवहारी जीवों को व्यवहार की भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। 9 नंबर का छंद आज हम शुरू करेंगे, उसके पहले इन्होंने यहाँ बात कही पेज नंबर 22 पर अंतिम पंक्तियों में देखिए, यहाँ हित वर्ग को विषय करके दृष्टांत है। चर्चा क्या चल रही थी कि ये स्त्री पुत्र घर बार महल मकान धन दौलत वैभव इन सब को अपना मानता है, अपना स्वरूप जानता है, इन्हें निज स्वीकार करता है, अपना स्वीकार करता है। तो ये कह रहे हैं कि तू एक बार इनका स्वरूप देख ले, तेरे को समझ में आ जाएगा। यहां अर्थात शरीर आदि के मध्य जो हितकारक अर्थात उपकारक स्त्री आदि का समूह है उसे लक्ष्य करके अर्थात विषय करके वे कैसे हैं यह समझाने के लिए हम दृष्टांत दे अर्थात उदाहरण देते हैं जो इस प्रकार है। ये जो दृष्टांत दिया जा रहा है, दृष्टांत में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है, यह समझाने का प्रयास किया है कि तू जिनको हितकारी समझ रहा है, जिनको उपकारी समझ रहा है, वे तेरा उपकार करने में समर्थ ही नहीं है। मोह के कारण तुम जिनको अपना मानते हो, जिन संयोगों को हमने अपना समझ रखा है, अपना उपकारक मान रखा है, स्त्री को पुत्र को जिनको हमने अत्यंत निकट का घनिष्ठ संबंधी अपने लिए उपकार करने वाला भला करने वाला यही मेरा भला करने वाले हैं ऐसा समझ रखा है, तो यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं कि भाई ये मोही प्राणी है जो शरीर आदि पदार्थों को उपकारक मानता है, हितकारक मानता है, ये सब है कैसे। ये 9 नंबर का श्लोक ये कहते हैं, दिग्देशेभ्य हगा इत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्व कार्य वशाद्यान्ति देशे दीक्षु प्रगे प्रगे। बहुत सरल है, फिर हमारे विद्यार्थियों के कोर्स में जब ये होता है तो हम लोग ये याद करने के लिए कहते हैं। बहुत सरल है, आप लोग भी याद रखेंगे तो आपको मजा आएगा। दिग देशेभ्य खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्व कार्य वशाद्यान्ति देश दीक्षु प्रगे प्रगे। पद्यानुवाद भी याद रख सकते हैं, चहु दिशि से आकर विहग रैन बसे तरुडाल उड़े प्रातः निज कार्य वश यही जगत जन चाल। समझ गए होंगे, ख्याल में आ गया होगा, क्योंकि भाषा बहुत सरल है, वर्णन बहुत सरल भाषा में किया है। चहुं दिशि चारों दिशाओं से आकर विहग माने पक्षी, विहग माने पक्षी, चारों दिशाओं से आकर
जगह जगह से आकर रैन बसे तरुडाल। रैन माने रात्रि, रैन बसेरा होता है रात्रि का स्थान, उसे कहते हैं रैन बसेरा। तो रैन माने रात्रि, बसे बसते हैं, रहते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं तरुडाल वृक्ष की शाखा पर। अलग अलग दिशाओं से कोई कहाँ से आया था, कोई कहाँ से आया था, और वो पक्षी आकर किसी पेड़ पर पूरी रात्रि विश्राम करते हैं। उड़े प्रातः निज कार्यवश यही जगत जंचाल। अप्रातः काल होने पर अपने कार्य के वश से वे सभी उड़ जाते हैं। जगत के जनों की यही चाल है। जितने प्रकार के पक्षी कहे गए, जितने पक्षी बतलाए गए हैं, वे सब के सब पक्षी एक साथ तो नहीं आते। आने का समय भी उनका अलग अलग है, जाने का समय भी अलग अलग है, ठहरने के समय में भी वे एक दूसरे के हो नहीं गए हैं। संसारी जीवों और परिवार का स्वरूप बतला रहे हैं। आप देखिए, परिवार के सभी सदस्य अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग क्षेत्रों से आए। कोई नरक से आया, कोई त्रियंच से आया, कोई त्रियंच में भी और कहीं से आया है, अलग अलग क्षेत्रों से। कोई आर्यखंड से, कोई मृत्युखंड से, ऋषि देवों से, तो कोई वैमानिक देवों से, तो कोई स्वर्ग से, कोई दूसरे नरक से, कोई हाथी था पहले, कोई कहां और कोई कहां। रात्रि भर विश्राम किया और फिर प्रातः काल होने पर, माने कुछ काल व्यतीत किया साथ में, और फिर उसके पश्चात उनमें से जब जिसका नंबर आ गया, जब जिसका काल आ गया उड़ने का, वो अपने कार्यवश, अपने उदयवश अपनी दिशा में उड़ करके चला गया। जो यहाँ बात कही गई है उसी तरह की बात उड़ने के संदर्भ में भी लगानी चाहिए। माने ये बात दोनों तरफा लागू होगी, आने के संदर्भ में भी और जाने के संदर्भ में भी। आना और चले जाना, इन दोनों के बीच में अब कितना सा काल बच गया है, और वह काल भी उन पक्षियों का तो निद्रा में चला जाता है, सोने में चला जाता है। और कौन कहां से आया, कितने समय तक रहेगा, आपसी चर्चाएं करना, आपस में बातचीत करना, कहां कहां इतना अवसर मिलता है, और हम उन्हें अपना 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 आते हैं तो प्रसन्न होते हैं, एक और आ गया, एक और आ गया, चलो ये और आ गए हैं, विवाह होकर के आ जाते हैं, कहीं पड़ोसी आ जाते हैं, कोई हमारे साथ में आकर के रहने लगते हैं, कोई मित्र बन करके हमारे साथ में आ जाता है, कोई विवाह होकर के आ जाता है, कहीं पुत्र जन्म होकर के आ जाते हैं परिवार में। तो आते हैं कोई भी तो हम प्रसन्न होते हैं, और जब वे उड़ करके चले जाते हैं तो हम खेत खिन्न होते हैं। ये नहीं है संसार का स्वरूप ऐसा। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। पर कितना सुंदर उदाहरण दिया ये, दिग्देशे भ्य खगादित्य संवसंती नगे नगे। दिग्देशांतरों से, अलग अलग दिशाओं से, कोई कहां से, कोई कब, कैसा दिख रहा है अपने को, क्या हमारे परिवार की दशा उन पक्षियों के रात्रि बसेरे के समान नहीं दिख रही है, क्या ऐसी हमारी पारिवारिक स्थिति नहीं है। आप देखिए, परिवार में जितने सदस्य हैं, जितने मिलने वाले लोग हैं, जितने रिलेटिव हैं हमारे, ये सारे के सारे रिलेटिव, इन सब की क्या स्थिति है। एट ए टाइम कोई ऐसा किसी ने मंत्र फूंका होगा और सब एक साथ हो गए होंगे,
कोई कब आया, कोई कब आया, चलता है ना ऐसा। और फिर आज ये चले गए, आना जाना लगा रहता है, किसी का आना और किसी का चले जाना, कोई आया कोई चला गया, कोई आया कोई चला गया, ओहो ये और चले गए, आज ये चले गए, नंबर लगे जाने वालों के, जाते रहते हैं जाते रहते हैं, धीरे धीरे करके सब निकल जाते हैं, नए आते रहते हैं पुराने जाते रहते हैं। एक बार जो व्यक्ति जिस दिशा से आया है, क्या वो व्यक्ति उसी दिशा में जाएगा, जिस जगह से आया है उसी जगह पर जाएगा? अब तो साथ साथ में उड़ेंगे ना, उड़ने में और रहने में भी कदाचित साथ होवे, कभी ऐसा भी संभव है कि साथ साथ में उड़ गए, साथ साथ में उड़ करके कुछ दूर तक साथ चले और फिर बिछड़ गए आगे जा करके। माने ये स्थिति उन बातों को दर्शाती है कि साथ साथ में उड़े, माने एक्सीडेंट में साथ साथ मरण हो गया, साथ साथ में उड़े माने बम विस्फोट में एक साथ मर गए, दुर्घटना में मर गए। अभी उड़े तो साथ साथ, अब साथ साथ में उड़ने पर भी अलग अलग दिशाओं में उड़ सकते हैं, एक साथ उड़ने पर भी अलग अलग दिशाओं में उड़ सकते हैं, और कदाचित एक ही दिशा में भी उड़े, साथ में मरकर दोनों ही साथ में, मान लीजिए तेरे अंश में जन्म ले लिया, किसी भी जगह पर जन्म ले लिया, साथ में जन्म लिया, तो अब तो साथ ही मरे थे और साथ ही आए हैं ना, साथ में उड़ करके साथ में ही, नहीं, थोड़े समय और साथ रह लिए, आगे चल करके, थोड़े आगे चल करके बिछड़ना है, आगे पीछे होना ही है, लंबे समय तक नहीं रहेगी वो स्थिति। बस इन्हीं बातों के आधार पर ये समझाया गया, किससे कैसा संबंध, किससे कैसे रिलेशन, हम उसकी घनिष्ठता में मरे जाते हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो घनिष्ठता हमारी प्राण घातक भी हो सकती है। ये सब उदय प्रमाण बनती है ऐसी स्थिति। कभी कभी तो ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि कोई व्यक्ति हमसे बदला लेने के लिए हमारे घर में आकर के जन्म लेता है, कोई हमारा शत्रु पूर्व भव में कई भवों से शत्रु चला आ रहा था, और अब तो ऐसी शत्रुता निभाई कि हमारे घर में ही बेटा बनकर के जन्म ले लिया, बेटा बन करके जन्म ले लिया और जन्म लेकर के हमारे प्राण हर लिए, खूब पीड़ा दी, खूब तड़पाया, खूब परेशान किया कि क्यों, कि है तो दुश्मन हो, कि नहीं, साहब दुश्मन तो नहीं कह सकते, बेटा तो अपना ही। अरे तुम आज बेटा देख रहे हो, ये दुश्मनी कब से निभा रहा है, किसी की पत्नी ऐसी मिल गई, किसी के हस्बैंड ऐसे हो गए हैं, तो किसी के बेटा ऐसा आ गया, किसी की बहू ऐसी आ गई, किसी को सास ऐसी मिल गई, ये सब नहीं होती इस प्रकार की परिस्थितियां। आपको क्या लगता है, आप तो ये समझते थे ये तो मेरे ही है, इन पर तो मेरा अधिकार चलता है, इन घर वालों के ऊपर तो मेरा पूरा पूरा अधिकार चलता है, इस धोखे में बिल्कुल नहीं रहना। कौन व्यक्ति किस तरह आकर के अपना बदला लेगा, इस बात का कोई नियम नहीं है कि वो शत्रु वेश में आए कि मित्र वेश में आए, इस बात का कोई नियम नहीं है कि पत्नी बन करके आए कि पड़ोसी बन करके आए, मित्र बन करके आएगा शत्रु अपनी शत्रुता निभाने के लिए, कब तक रहेगा, जब तक उसका काल है तब तक रहेगा। बहुत दूर चले जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं और फिर आकर के एकत्रित हो जाते हैं, कितने प्रसंग मिलते हैं, कई भवों से मित्र चले आ रहे थे, फिर बीच में कई भवों तक इधर उधर हो गए, फिर वापस आकर के मित्रता हुई, फिर एक ही जगह पर आ गए, ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती है। देखिए मैं अन्वयार्थ पढ़ता हूँ है ना, फिर अपन कोई विशेष बात होगी तो और उसके बारे में बात करेंगे, ये सब वैराग्यमय प्रसंग है, ये सब वैराग्य की चर्चाएं हैं, जीवन उपयोगी है और चिंतन करने के लिए है कि क्या सच में ऐसा ही है, क्या ये बातें हमारे अनुभव में नहीं आ रही है, क्या ये बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, क्या इन बातों में सच्चाई वास्तविकता छिपी नहीं है, ये सब सच्चाई है, ये सब वास्तविकता है जो छिपी हुई है।
अन्वय अर्थ देखिए, खगाह माने पक्षीगण, दिग्देशेभ्य माने पूर्वादि दिशाओं से, और अंग वंग आदि देशों से, अंग देश से, वंग देश से, देशों के नाम हैं किसी भी देश से, देशों से, एत्य आकर नगे नगे वृक्षों पर, दिग्देशेभ्य खगाहेत्य संवसंती नगे नगे। आगे क्या कहते हैं, संवसंती निवास करते हैं, एत्य आकर, कहाँ आकर निवास करते हैं कि नगे वृक्ष के ऊपर आकर निवास करते हैं, संवसंती नगे नगे। और प्रगे प्रगे प्रातः काल होने पर, प्रगे प्रातः काल होने पर स्व स्व कार्य वशात, अपने अपने कार्य वशात, देशे दिक्षु अलग अलग देशों और दिशाओं में, देशे क्षेत्रवाची है, दिक्षु दिशाओं में, यान्ति चले जाते हैं। क्या कहा, पक्षीगण पूर्वादि दिशाओं से, और देखिए मैं सारी संस्कृत शब्द हटा करके, ब्रैकेट के शब्द हटा करके सीधा सरल अर्थ पढ़ रहा हूँ, पक्षीगण दिशाओं से और देशों से आकर वृक्षों पर निवास करते हैं, और प्रातः काल होने पर अपने अपने कार्य वशात देशों और दिशाओं में चले जाते हैं। तो क्या हो गया इसमें, बात तो पक्षियों के संदर्भ में कही है, इसमें अपनी तो कोई बात थी नहीं ना, अपने लिए तो कोई बात कही नहीं गई यहाँ, अपने आने जाने के बारे में यहाँ क्या कहा गया, कुछ भी नहीं। देखिए टीकाकार कहते हैं, संवास करते हैं अर्थात एकत्रित होकर रात्रि तक निवास करते हैं। तो संवास, वास माने होता है रहना, निवास होता है ना, से संवास, संवास कहें निवास कहें एक ही बात है, एकत्रित होकर के रात्रि तक रहना, ये निवास है। वे कौन कि पक्षी कहाँ कहाँ निवास करते हैं, वृक्षों के ऊपर निवास करते हैं, क्या करके कि आकर, कहाँ से कि दिशाओं और देशों से। मैं कई बार ऐसा अनुभव होता है इस पूरे प्रकरण को और इन पंक्तियों को पढ़कर कि इसकी भाषा को बिल्कुल व्यवस्थित कर दी जाए, पूरे के पूरे ग्रंथ को, जो कि ये टीका लिखी गई है, इस पूरी टीका को, ये जो वाक्य रचना है, इसके वाक्य रचना बिल्कुल हिंदी भाषा की दृष्टि से जैसी होनी चाहिए। देशों और दिशाओं से आकर पक्षी वृक्षों के ऊपर रात्रि तक निवास करते हैं, ऐसा पूरा सब में प्रश्न प्रश्न हट जाए और जो जवाब है वे सभी आगे पीछे होकर के उसकी भाषा बन जाए। बात तो यही कहना चाहते हैं। एक्चुअल में क्या ये फ्लो टूटता है ना, तो अपने को थोड़ा सा हैबिट नहीं है, इतना मजा नहीं आता उस भाषा में, लेकिन स्पष्ट बात यही कहना चाहते हैं कि भाई पूर्व दिशा से आ गया, कोई ईशान से आ गया, कोई नैऋत्य से आया है तो कोई दक्षिण दिशा से आया है, कोई अधो से, कोई ऊर्ध्व से, कोई कहाँ और कोई कहाँ, है ना। ऊर्ध्व अधो पक्षियों के संदर्भ में तो लागू नहीं होगी, लेकिन विविध दिशाओं से, देशों से, अलग अलग देशों तक से आते हैं पक्षी। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा, हमारे यहाँ तो जयपुर में भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर विदेशी पक्षी आया करते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर मौसम में, किसी विशिष्ट सीजन में, उस समय में महीने डेढ़ महीने का काल ऐसा है जिसमें वो पक्षी वहाँ आते ही आते हैं, पता नहीं कितने साल समुंदर पार से कहाँ से आते हैं, कुछ समय रुकते हैं फिर चले जाते हैं।
आपको क्या लगता है कि घूमने फिरने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए आप लोग ही निकलते हैं, पक्षी नहीं निकलते? पशु पक्षी भी जाते हैं, ये जो बंदर हैं ये लोग भी, बंदर वगैरह भी विचरण करते हैं। सर्वाधिक सटीक तो अपने को पक्षियों की बात दिखाई देती है, क्योंकि कुछ उनका एक जगह पर ठिकाना नहीं। आज यहाँ है तो कल दूसरी जगह चले गए, यहाँ से घोंसला किसी ने तोड़ दिया तो दूसरी जगह जाकर के बना लिया, वो तो अपना बसेरा बना ही लेते हैं कहीं भी जाकर के। देखिए तीसरी लाइन में, दिशाओं और देशों से दिशाएं, अर्थात पूर्वादि 10 दिशाएं, 10 दिशाएं तो जानते हैं ना आप लोग, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य पूर्व और अधो। देश अर्थात उसका एक भाग, अंग भंग आदि, उन अवधिकृत मर्यादित देशों से आते हैं तथा जाते हैं वे कौन के पक्षीगण? कहाँ जाते हैं कि दिशाओं में, अर्थात दिशाओं और देशों में जाते हैं। प्राप्त किए स्थान से उनके जाने का नियम उल्टा है, ऐसा निर्देश है। तात्पर्य यह है कि जाने के नियम का अभाव है, ऐसा अर्थ है। जिन जिन दिशाओं से आए उन्हीं दिशाओं में जाएं, और जिन जिन देशों से आए उन उन्हीं देशों में जाएं, ऐसा नियम नहीं है। जा भी सकते हैं, देखिएगा आप, जिन देशों और दिशाओं से आए हैं उन देशों में ही जाएंगे, ऐसा नियम नहीं है, लेकिन जा भी सकते हैं। इसी बात को यहाँ जरा जीव पर घटा करके देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल अपने को बात समझ में आ जाती है। कोई व्यक्ति तिर्यंच गति से आया हो तो अब तिर्यंच गति में दोबारा जाएगा? जा भी सकता है, जहां से आया था वहां जा भी सकता है। देव गति से आए और दोबारा देवगति में जा रहे, नरक से निकल करके आए फिर नरक गति में जा रहे, तो उन्होंने देशों में जाए, ऐसा नियम नहीं है। तो कैसा है, वे जहां तहां इच्छानुसार जाते हैं, ऐसा है। उसी देश में जाने का नियम तो नहीं है, तो फिर नियम क्या है ये तो बताओ। जहां तहां चले जाए, जहां भी जाना हो। किससे जाते हैं कि अपने अपने कार्य के वश, अर्थात करने योग्य अपने अपने कार्य की पराधीनता वश। कब कब जाते हैं कि सवेरे सवेरे, पक्षियों के विहार करने का समय, उड़ने का समय प्रातः काल, और आकर के विश्राम करने का समय रात्रि काल, ऐसी ही योग्यता है। मैंने कितना मार्मिक प्रसंग ये यहाँ हमारे को पक्षियों का उदाहरण दे करके समझाना चाह रहे हैं। अभी तक तो बात उदाहरण की है। अब देखिए, इस प्रकार संसारी जीव भी नरक आदि गति स्थानों से आकर कुल में, माने अपने कुटुंब में, अपने आयु काल तक एकत्रित होकर रहते हैं। बोलो हमारी क्या स्थिति है? हम पूरे परिवार की एक साथ बात नहीं करें हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब पूरे परिवार की एक साथ बात नहीं करके फिर क्या करेंगे? अपनी बात करो ना, तुम आए उस समय परिवार के बहुत सारे लोग पहले आ चुके थे या नहीं? बिल्कुल आ चुके थे, माने बहुत सारे लोग पहले आ चुके थे, हम थोड़ा सा लेट हो गए। तो कुछ लोग तुम्हारे बाद में भी आए कि नहीं? कि हाँ हमारे बाद में भी आए हैं। इसका मतलब ये बात तो हुई आने के संदर्भ में, कुछ हमसे पहले आ गए थे कुछ हमारे बाद में आए। और यदि जाने के संदर्भ में बात की जाए तो कुछ हमसे पहले चले जाएंगे और कुछ हमारे जाने के कुछ समय बाद तक जाएंगे। आए भी सभी हैं और जाना भी सभी को है। परमानेंट उस वृक्ष के ऊपर कोई पक्षी सदा काल नहीं रहेगा, लेकिन एक बात और है कि वो वृक्ष पक्षियों से रहित भी कभी नहीं रहेगा, ऐसा होता है। जो पक्षी कल आए थे
प्रातः काल उड़ गए, आज दूसरे पक्षी आए, रात भर रुकेंगे, कल सुबह चले जाएंगे, फिर कल दूसरे पक्षी आएंगे और भी उड़ जाएंगे रह करके। बोलिए ऐसी स्थिति हमारे मकान की नहीं है, पहले कोई आए कुछ काल तक रहे जैसे अपना कहते रहे चले गए, फिर दूसरे आए वो चले गए, फिर हम लोग आए तो इस मकान को जमीन जायदाद को अपनी कहते रहे हम चले जाएंगे, फिर कोई और आएंगे वैसे अपने कहते रहेंगे। कैसा जगत का स्वरूप है भाई, ये संसारी जीव भी नरकादि गति स्थानों से आकर कुल में अर्थात कुटुंब में अपने आयु काल तक एकत्रित होकर रहते हैं और अपने आयु काल के अंत में अपनी अपनी पराधीनता के कारण, अपनी पराधीनता के कारण अनियम से अर्थात नियम के बिना देवगति आदि स्थानों में चले जाते हैं। ऐसी प्रतीति विश्वास कर, ये विश्वास करना ही पड़ेगा। कोई कहां से आया और कहां चले गया, क्या ये तुम्हारे को प्रकट दिखाई नहीं देता है? पहले तुम कहां रहते थे और अब कहां रहने लग गए, इससे प्रकट ख्याल में नहीं आ रही ये बात कि हमने हमारा घोंसला बदल लिया? पक्षियों के रहने के स्थान को घोंसला कहते हैं और मनुष्यों के रहने के स्थान को मकान कहते हैं। जिस तरह से पक्षी अपना घोंसला बदल लिया करते हैं, उस तरह से मनुष्य गति के जीव भी अपना मकान बदलते रहते हैं, जो कि घोंसला बदलने के समान ही है। कर लीजिए आप, साथ साथ में जन्म लिया, एक ही घर में जन्म लिया, एक ही परिवार में जन्म लिया, और एक कहाँ उड़ गया और दूसरा कहाँ उड़ गया, कितने भाव और नाते भी हो जाते हैं। युगल जन्म लेने वाले पुत्र और पुत्री वो कालांतर में पति पत्नी हो जाते हैं उसी भाव में। आपने सुनी है ना वो 18 नातों की कथा, पहले चर्चा की होगी अपन ने कभी। हाँ जी सुनिए। याद नहीं आ रहा है, सुनिए। एक वसंत तिलका नाम की एक वैश्या थी, माने बहुत प्राचीन समय, पुराने समय की बात है। वो वहां एक नगर में एक सेठ रहता था, वो सेठ बहुत अच्छा द्रव्य का स्वामी था, माने बहुत वैभव था उसके पास में। वो उस वसंत तिलका जो नाम की वैश्या थी उस पर मोहित हो गया, अपने घर ही ले आया वो उसको, वो सेठ। और जब वो गर्भवती हुई, अनेक रोग हो गए उसके शरीर में, तो उसने वापस उसको घर से निकाल दिया, उस वैश्या को, वसंत तिलका नाम से। ये बहुत प्रसिद्ध है ये कथा शास्त्रों में। फिर क्या हुआ, उसके पुत्र और पुत्री का युगल जन्म हुआ, जुड़वा बच्चे हुए। ये सच्ची घटना है, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये मनगढ़ंत कथा नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, ये हकीकत में घटी हुई घटना है। एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ, दोनों बच्चों को नहीं पालने की भावना से अत्यंत खेत खिन्न होकर जन्म होने के पश्चात कंबल में लपेट करके एक को दक्षिण के दरवाजे पर और एक को उत्तर के दरवाजे पर छोड़ दिया। कन्या को कोई बंजारा उठा करके ले गया, एक लड़की को, जो लड़की थी उसको कोई बंजारा उठा करके ले गया और उसका नाम रखा था कमला। और जो लड़का था उसको कोई दूसरा ब्राह्मण उठा करके ले गया दक्षिण दिशा की तरफ से, उत्तर दिशा की तरफ से और उसको दक्षिण दिशा की तरफ से, ऐसा उसका नाम रखा धनदेव। कालांतर में ऐसा कर्म का योग बना, आप देखिए 20-22 साल बाद में, कि वो जो दोनों बंजारे थे ना, जो दोनों सगे एक माँ के एक साथ जन्म लिए, जुड़वा जन्म लिए, जो सगे बहन भाई थे, कालांतर में ऐसा कर्म का योग बना कि उन दोनों का विवाह हो गया।
किसका? धनदेव का और कमला का। कौन थे ये धनदेव और कमला? वसंत तिलका के पुत्र और पुत्री। आप सोचिए जरा प्रकृति की कैसी व्यवस्था दिखाई देती है, ये किस प्रकार की विडंबना है, हैं? जो दोनों सगे भाई बहन है उन दोनों का ही विवाह हो गया। अरे सो हुआ तो हुआ, आगे कथा तो सुनो आप, कैसी घटना घट गई, महा अनर्थकारी ऐसी ऐसी घटना। उसी भाव में व्यापार करते हुए धनदेव वहीं आ गया, उसी नगरी में जिस नगरी में उसका जन्म हुआ था, उज्जैनी नगरी में। और वहां आकर और वसंत तिलका वेश्या पर मोहित हो गया। अब बोलो आप कौन थी ये वसंत तिलका वेश्या? 40-45 वर्ष की उम्र वाली उसकी माँ, सगी माँ, वो उस वेश्या पर मोहित हो गया और उसके प्रेम में फंसकर उसके संयोग से वसंत तिलका ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वरुण रखा। अब देखो अब घटना चक्र कैसा घूम गया। जो माँ है वही दादी है, नहीं दिख रहा आपको? वसंत तिलका और उसका बेटा था धनदेव जो बाद में पति हो गया, मतलब किसका किसके साथ में विवाह, कैसा संबंध। फिर इस घटना के बारे में आचार्य देव ने वहां जहां वर्णन किया है वहां उन्होंने ऐसा बतलाया कि अब जो वरुण है ना जो धनदेव और वसंत तिलका से उत्पन्न हुआ है, अब उसका संबंध बताया एक एक के साथ में। तो कहा उस वरुण का वसंत तिलका से 6 रिलेशन है, उस वरुण के धनदेव से 6 रिलेशन है, उस वरुण के कमला से भी 6 रिलेशन है, 18 नाते हो गए। बोलो वही माता पिता से एक ही से 89। आप देख लो प्रैक्टिकली कैसा है वो धनदेव, उसका क्या लगा बोलो? धनदेव उसका पिता भी है क्या? और क्या होगा कि माता का बेटा होने से भाई भी हो गया, क्योंकि धनदेव की माँ और वरुण की माँ दोनों एक ही है। कुछ समझ में आ रही है? कुछ नाम याद हुए क्या आपको? उपयोग में थोड़े बहुत नाम याद हुए ना, 4 नाम है तब तो कहानी समझ में आएगी, नहीं तो आप रिलेशन में उलझ करके रहिए, आपको लगेगा कि अरे क्या हो गया, ये क्या है ये चक्कर। वसंत तिलका का बेटा था धनदेव, सगा बेटा, और वो बेटा ही आकर के वो वेश्या थी उस पर मोहित हुआ तो पुत्र को जन्म दिया वसंत तिलका ने जिसका नाम था वरुण। अब वरुण के पिता कौन है? धनदेव। धनदेव से वरुण का क्या रिलेशन है बोलो? बताएं क्या रिलेशन है, बता सकते हैं? एक रिलेशन तो साफ ही दिख रहा है, बेटा है, क्यों? दूसरा रिलेशन क्या है? भाई है। कि भाई कैसे हो गया? क्योंकि क्योंकि वो उसी माता के वो बेटा है ना, उसका जो आपका पिता है उसका बेटा है, तो वो दोनों भाई हो गए वैसे। तो ये कई कई तरह से संबंध बतलाए, और मतलब उसका भाई भी हो गया, और समझ लीजिए उसका कई मतलब ऐसे घुमा फिरा करके उसके संबंधों की चर्चा किया आचार्यों ने कि किस किस से किस किस प्रकार के संबंध बन गए हैं। कमला के साथ में किस तरह के संबंध बन जाएंगे, वसंत तिलका के साथ में किस प्रकार के संबंध बनेंगे, पिता की माँ होने से वो दादी भी हो गई, जो जो सगी माँ है वही दादी भी हो गई। तो ये कैसी परिस्थितियां, ये तो एक ही भाव की बात है, उसी भाव में। अब यदि भाव भावांतरों की चर्चा करें तो कितने प्रकार के संबंध किस किस के साथ में नहीं बनते हैं? आपको पता है इस घटना के पीछे कारण क्या बतलाया गया? सुनिए आपने कभी घटना? आपने बताई थी स्टोरी,
आप ही ने बताई थी ये संबंध के बारे में जब चर्चा चली थी ना, बहुत टाइम हो गया लेकिन किसके बारे में ये स्टोरी संबंधों के बारे में चर्चा चली थी, संबंध किस तरह से हो सकता है बताई होगी, निश्चित बताई होगी। माने एक भव में ऐसी स्थिति तो अनेक भवों में कैसी स्थिति हो जाएगी, तो कारण क्या बना, आप क्या बता रहे थे उसका? हाँ कारण मैं कारण बतला रहा था, ये पूरी की पूरी घटना और ये पूरी की पूरी संबंध का जो ये इस तरह से प्रसंग बना है, ये पूरा का पूरा प्रसंग एक मुनिराज ने कमला को सुनाया और बतलाया कि तुम्हारे साथ में इसके क्या रिलेशन है और क्या संबंध है ऐसा। वैराग्य उत्पन्न करने का परिणाम, वैराग्य उत्पन्न करने की सच्ची घटना, क्योंकि ऐसे किसको पता लगेगा, बतलाओ कौन सच्चाई का उसको उजागर करेगा, कैसे पता लगेगा। मुनिराज ने बतलाया तो जब कारण पूछा तो मुनिराज ने उसको जवाब दिया कि अरे पूर्व भव में एक उनके दो पुत्र थे सगे भाई, और वे दोनों के दोनों भाई वहां से आ रहे थे कहीं से किसी स्थान से पढ़ करके आ रहे थे, पढ़ाई करके आ रहे थे, अग्निभूत सोमभूत नाम के दो भाई, और आते हुए उन्होंने रास्ते में देखा उन दोनों भाइयों ने ये एक वृद्ध मुनिराज, उन वृद्ध मुनिराज से कोई एक युवा आर्य का जो सन्यासी है वैरागी है, पंचम गुणस्थानवर्ती आर्य का है और छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती 70 वर्ष के मुनिराज और 25 साल की आर्य का वो कुछ शंका पूछ रही है। थोड़े दूर 20 कदम आगे चले तो उन्होंने देखा एक वृद्ध माता जी 50-60 साल की और उनके साथ में कोई युवा मुनिराज कोई चर्चा कर रहे हैं। बस इतनी सी बात को देखकर उन्होंने ऐसी हंसी की 10-5 मिनट, 10-5 मिनट भी क्यों कहें, मिनट 2 मिनट के लिए, कि अरे प्रकृति ने भी कैसा मेल मिलाया है, देखो आप बूढ़े को जवान और जवान को बुढ़िया, ऐसा ऐसा बस हंसी चलते फिरते अपने मौज मस्ती में इस तरह का कमेंट्स पास किया और आपस में हंसी भूल भाल गए होंगे उसको। और कालांतर में वो दोनों भाई मर करके धनदेव और कमला इस तरह से युगल पुत्र पुत्री हुए। अब देखो आप इतनी सी हंसी करने के फल में हम तो कितनों के बारे में क्या क्या नहीं सोच लेते हैं, कितनी बातें हमारे दिमाग में नहीं आती है, दूसरों को देख करके कितनी तरह की बातें और कितनी तरह की निंदा आलोचना के भाव हमारे मन में नहीं आते। गति है, परिस्थितियां हैं, होता रहता है इस तरह का, कौन कहां से आया और कौन कहां चले जाएगा और किसका कब संयोग दोबारा हो जाएगा, कौन से देश से आकर के कौन से कहां कहां विवाह हो जाते हैं, हमारे यहाँ से इंडिया से पढ़ने के लिए अमेरिका में जाते हैं, वहीं जाकर के लव मैरिज हो जाती है, वहीं बस जाते हैं, वहीं जॉब लग जाती है, लौट करके नहीं आते हैं। आप लोगों में से भी कई होंगे इसी तरह से, वहां से यहाँ आ गए, यहाँ से वहां चले गए, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, कहाँ जाकर के रहने लग जाते हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी वहां जाएंगे, वहां रहेंगे, वहां बस जाएंगे, हो जाता है। लेकिन होता है, किसका कौन बदलाव करे, कौन कौन परिवर्तन करे इसमें, ये तो क्षणिकता की व्यवस्था बतला रहे हैं कि जिनको तुम अपना कहते हो वे छोड़ तुम्हें चल देते हैं, उसका क्यों नहीं विचार करते हो। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, तो हे भद्र, आगे क्या शब्द दिए, तो हे भद्र हित बुद्धि रूप ग्रहण किए हुए, माने हितकारक हैं ऐसा समझकर अपने माने हुए सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले जो स्त्री आदिक हैं उसमें तेरा आत्मा तथा आत्मीय भाव कैसा, ये तो देख, जिनमें तूने अत्यंत हितकारी भाव समझ रखा है, जिन्हें तूने अत्यंत हितकारी समझ रखा है
अपना समझ रखा है जिन स्त्री आदि को, उनमें तेरा आत्मीयपना कैसा है? यदि वस्तुतः वे शरीर आदि तुझे आत्मस्वरूप हो तो तू उस अवस्था में ही होने पर भी वे अन्य अवस्था को कैसे प्राप्त हो जाते हैं? हम तो उसी अवस्था में हैं, वो दूसरी अवस्था को कैसे प्राप्त हो गए? शरीर के बारे में लगाओ, पत्नी के बारे में लगाओ, मेरे हैं, मेरे से एक में एक हैं, अरे तुम्हें छोड़ करके चले गए, मरण हो जाने पर चले गए सो तो ठीक है, जीते जी छोड़ करके चले गए, कैसे अन्य अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं? यदि वे तेरे हों तो तेरे प्रयोग बिना वे यहां तहां क्यों चले जाते हैं? तेरे से पूछे बिना क्यों चले जाते हैं? शरीर यदि मेरा हो तो मेरे पूछे बिना बीमार क्यों पड़ता है? मेरे कंट्रोल में चलना चाहिए ना। जगत में बिल्कुल प्रसिद्ध कहावत है, जो जिसका माने वो उसका, जो जिसका मानेगा वो होगा। बोलो। अतः मोह जनित आवेश का परित्याग कर जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा देख, ऐसा दृष्टांत में समझने योग्य है। माने दृष्टांत के माध्यम से इतनी ही बात समझने योग्य है, इतनी ही बात समझाना चाहते हैं, इतनी ही बात बतलाना चाहते हैं कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही समझ लो, वैसा ही स्वीकार कर लो। इसी बात को मैं भावार्थ में और पढ़ देता हूँ, जिससे आना ये प्रकरण यहाँ संपन्न हो। देखिए आप, जिस प्रकार रात्रि समय में पक्षीगण भिन्न भिन्न दिशा और देशों से आकर वृक्षों पर एक साथ निवास करते हैं और प्रातः काल अपने अपने कार्य के लिए इच्छानुसार किसी भी देश व दिशा में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार संसारी जीव नरक गति आदि रूप स्थानों से आकर एक परिवार में जन्म लेते हैं। वृक्ष के स्थान पर इन्होंने क्या कहा? परिवार। ठीक है, पक्षियों के स्थान पर क्या लिया? संसारी जीव। दिशाओं के स्थान पर क्या लिया? नरक आदि गतियां। बोलो। और दूसरे पक्षियों के स्थान पर किसे रखा? कि वहां परिजन। सबका बता दिया अपन ने कितनी चीजें हैं। पक्षी आए, आकर के किसी पेड़ के ऊपर रुके, कुछ काल रहेंगे, फिर चले जाएंगे। अब इन सब को अपनी लाइफ के अंदर घटित करके देख लीजिए। भिन्न भिन्न दिशाओं से आते हैं, माने अलग अलग गतियों से आते हैं। वृक्ष के ऊपर रुकते हैं, माने परिवार में जन्म लेते हैं। फिर वृक्ष पर रात्रि भर साथ में रहते हैं, इसका मतलब परिवार वालों के साथ में, परिजनों के साथ अपने आयु काल तक रहते हैं। फिर प्रातः काल होने पर सभी उड़ जाते हैं, माने अपनी आयु पूरी होने पर अपनी अपनी योग्यता अनुसार उड़ जाते हैं, उड़ करके अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं, इसका मतलब अलग अलग गति आदि स्थानों में गमन कर जाते हैं। बेटा कहीं और से आया है, पत्नी कहीं और से आई है, पत्नी को किसी दूसरी जगह पर जाना है और हमें किसी दूसरी जगह पर जाना है, जब जाना ही अलग अलग जगह पर होगा। बोलो। अतः मोह जनित आवेश का परित्याग कर जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा देख, ऐसा दृष्टांत में समझने योग्य है। माने दृष्टांत के माध्यम से इतनी ही बात समझने योग्य है, इतनी ही बात समझाना चाहते हैं, इतनी ही बात बतलाना चाहते हैं कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही समझ लो, वैसा ही स्वीकार कर लो। इसी बात को मैं भावार्थ में और पढ़ देता हूँ, जिससे आना ये प्रकरण यहाँ संपन्न हो। देखिए आप, जिस प्रकार रात्रि समय में पक्षीगण भिन्न भिन्न दिशा और देशों से आकर वृक्षों पर एक साथ निवास करते हैं और प्रातः काल अपने अपने कार्य के लिए इच्छानुसार किसी भी देश व दिशा में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार संसारी जीव
नरक गति आदि रूप स्थानों से आकर एक परिवार में जन्म लेते हैं। वृक्ष के स्थान पर इन्होंने क्या कहा? परिवार। ठीक है, पक्षियों के स्थान पर क्या लिया? संसारी जीव। दिशाओं के स्थान पर क्या लिया? नरक आदि गतियां, बोलो। और दूसरे पक्षियों के स्थान पर किसे रखा? कि वहां परिजन। सबका बता दिया अपन ने कितनी चीजें हैं। पक्षी आए, आकर के किसी पेड़ के ऊपर रुके, कुछ काल रहेंगे, फिर चले जाएंगे। अब इन सबको अपनी लाइफ के अंदर घटित करके देख लीजिए, भिन्न भिन्न दिशाओं से आते हैं, माने अलग अलग गतियों से आते हैं। वृक्ष के ऊपर रुकते हैं, माने परिवार में जन्म लेते हैं। फिर वृक्ष पर रात्रि भर साथ में रहते हैं, इसका मतलब परिवार वालों के साथ में, परिजनों के साथ अपने आयु काल तक रहते हैं। फिर प्रातः काल होने पर सभी उड़ जाते हैं, माने अपनी आयु पूरी होने पर अपनी अपनी योग्यता अनुसार उड़ जाते हैं। उड़ करके अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं, इसका मतलब अलग अलग गति आदि स्थानों में गमन कर जाते हैं। बेटा कहीं और से आया है, पत्नी कहीं और से आई है, पत्नी को किसी दूसरी जगह पर जाना है और हमें किसी दूसरी जगह पर जाना है। जब जाना ही अलग अलग जगह पर है, जब रास्ते ही अलग अलग है, जब मंजिल ही अलग अलग है, तो फिर आप कहते हो वर्तमान में विचार क्यों नहीं मिलते। अरे मिलेंगे कैसे? विचार मिलने लग जाएंगे तो क्या एक साथ एक ही जगह पर नहीं चले जाएंगे? विचार नियम से नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे ये इस बात को सूचित करता है कि एक को दूसरे स्वर्ग में जाना है, एक को पांचवें स्वर्ग में जाना है, एक को आठवें स्वर्ग में जाना है, एक को अधोगति होनी है और एक की ऊर्ध्वगति होनी है। कैसे विचार मिलेंगे? जिसको आयु पूरी करके अधोगति में चले जाना है, उस व्यक्ति के विचार जिसकी आयु पूरी होने के बाद में ऊर्ध्वगति में जाना है, उससे कैसे मिलेंगे? दोनों के विचार कैसे मिल सकते हैं? हम विचार मिलाना चाहते हैं, हम परेशान रहते हैं इस बात को देख करके। इन्हें पक्षियों की तरह देख करके क्यों नहीं मस्त रहते हो? ठीक है, जितनी देर तक है साथ में है, ठीक है, कोई बात नहीं, मस्त रहने का काम है, लड़ाई झगड़े का काम नहीं है। नहीं मिलते तो नहीं मिलते विचार। अरे जब हम ट्रेन में सफर करते हैं, ट्रेन में बैठ करके, प्लेन में बैठ करके सफर करते हैं, और बराबर वाले के साथ में यदि हम अपने 6 घंटे व्यतीत कर रहे हैं प्लेन में के ट्रेन में, और 6 घंटे के दरमियान हम अनेक प्रकार की घर परिवार इधर उधर की बातें, राजनीति की बातें उससे करते हैं, हम उसके चले जाने पर कितना दुखी होते हैं? उसके विचार हमारे से नहीं मिलने पर हम कितने परेशान होते हैं? नहीं होते ना, टेम्परेरी साथ है, कोई बात नहीं, उसके विचार उसके हैं, हमारे विचार हमारे। वही बात तो हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं, आपके विचार अपने और परिवार वालों के विचार अपने, दुखी होने की जरूरत रंच मात्र भी नहीं है। ये संदेश यहाँ इस छंद के माध्यम से दिया जा रहा है। कुछ और पंक्तियां हैं जिनके माध्यम से इसी प्रकरण को स्पष्ट किया गया है, हम इन सब पंक्तियों की चर्चा आगामी सेशन में करेंगे। अभी की बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। इन सब वैराग्यमय प्रसंगों को अपने जीवन में अप्लाई करते रहना चाहिए। यदि इनको अप्लाई करेंगे तो जीवन सुख और शांति में बनेगा। आप सभी का जीवन सुख शांति में बने, इसी भावना से बात को विराम देता हूँ। या वाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नहीं सदा देतो लोक। कदा देते हूँ।